पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्यों आए? अरे पादुका के साथ लाए? जब से साई की पादुका आई है घर में सब अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ, इनके आते ही तू मुक्ति पा गया मुझसे, सर से बोझ उतर गया तेरा। अच्छा तो लगेगा ही ना? नहीं दादा, बस यही बात है जो सही नहीं हुई है, और इसमें दोष पादुका का नहीं है, शायद मेरा है। मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, ये कहने कि मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए दादा। जब से तेरे घर से निकला हूँ मुझे भी लाभ ही हुआ है, मैं भी अब अपना काम शुरू करने वाला हूँ। दादा मैंने सुना है कि आपका तो इसीलिए तू आया है? तुझे पता था कि मैं तुझे गलत साबित कर दूंगा, इसीलिए तूने सोचा होगा कि क्यों ना जाकर के मुझे सफल होने से रोके और अपने साथ घर ले चले, ताकि जीवन भर मैं तेरा ऋणी बना रहूं। चल चल, मैं नहीं आने वाला तेरे साथ। ठीक है दादा, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, ये साईं की पादुका है, इन्होंने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि आपकी इस नई शुरुआत में ये आपका भी साथ दे, आप इन्हें ले लीजिए, ताकि आगे चल के तू मेरी सफलता का श्रेय इन पादुकाओं को दे सके जो तूने मुझे अपनी दरिया दिली में दी थी। यानी घूम फिर कर तू मेरी सफलता का श्रेय भी खुद ही लेना चाहता है। मुझे ये पादुकाएं नहीं चाहिए, तू भी जा और इन्हें भी ले जा। अब वो कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, भाई से कैसा लड़ना, और घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है, और रही बात दुकान की तो आप एक नौकर रख लीजिएगा, वो यहाँ पे काम संभाल लेगा। बस बहुत हुआ, आज तक तुमने मेरे हर फैसले पर सवाल उठाया है, तुमने केवल मुझे ताने दी हैं, तुम मुझे दबाती रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मैं खुद को अपनी शर्तों पर साबित करना चाहता हूँ। साई, राम जी भला करें। आपकी दी हुई पादुका ने मेरा जीवन बदल दिया, धन्य हो गया हूं मैं इन चमत्कारी पादुकाओं को पाकर। ये मेरा चमत्कार नहीं है धनीराम, ये तो तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। लेकिन साई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि दादा इन पादुकाओं के आशीर्वाद से वंचित है, वो इन पादुकाओं को अपने घर रखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि इन पादुकाओं को रखकर अगर उन्हें सफलता मिली तो इसका श्रेय मैं ले लूंगा। तो ये पादुकाएं तुम यहीं छोड़ जाना, जब समय आएगा तब आत्माराम इन्हें खुद ले जाएगा। तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया, चलता हूँ साई। साई ओम साई ओम। अरे तेज तेज हाथ चलाओ, सब के सब काम छोड़, ठीक से काम नहीं कर रहे हो तुम। देखो मैंने बोल दिया, एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, जितने समय में काम बोला है खत्म करना होगा। सेठ जी, तब से देख रहा हूं कुछ भी बोल रहे हैं, हमें अपना काम आता है, हमें काम करने दीजिए। अपना काम आता है वो मुझे पता है, लेकिन एक बात और पता है कि तुम सब आराम से काम कर रहे हो, ताकि एक दिन और बढ़ जाए और एक दिन की दिहाड़ी और मिले, वरना लकड़ी का काम करने में इतना समय लगता है। अरे मैं होता तब तक 10 खाने बना चुका होता, और तुम लोग
इतनी सी दुकान की घिसाई सफाई में लगे हुए हो, तेरा तो रंग तक नहीं खुला। अरे मैंने किया होता तो अब तक दीवार का रंग सूख चुका होता, खिल रही होती पूरी। ये लीजिए, खुद ही कर लीजिए। इज्जत की रोटी कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं। चलो हमें नहीं करना काम, चलो। सुनो रुको। और हाँ सेठ जी, चप्पल भर में दीवारें रंग लेना तो ये लकड़ी का काम भी खुद कर लेना। अरे हमें नहीं करना यहाँ काम, चल। रुको तुम, सुनो, किधर जा रहे हो, रुक जाओ। अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, कारीगर कहाँ गए सारे? सब के सब काम चोर हैं, मुफ्त का चाहिए सबको, मेहनत किसी को नहीं करनी। अरे मैंने हल्का सा टोक दिया काम करते करते, भाग गए सब के सब। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों में खबर फैला दी है कि आप नया काम शुरू करने वाले हैं, और सभी को 2 दिन बाद उद्घाटन पे भी बुला लिया है। क्या दुकान खुलने से पहले ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? कैसे होगा ये सब? अब मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके जल्दी जल्दी काम खत्म करवाइए। अरे ये भी ना, आत्माराम दुकान लेकर तुमने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, अब हौसला मत हारो। लड्डू मेहनत का लड्डू है, दुकान ढूंढने में तुमने जो मेहनत की उसका फल है, लो। आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू मैंने नहीं खाया, एक और दीजिए ना साई। मैंने कहा ना आत्माराम, ये मेहनत का लड्डू है, इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत कर तो रहा हूं। बैठे बैठे किसी दूसरे के काम में अड़चन डालना मेहनत नहीं होती है आत्माराम, मेहनत का अवसर तो अब आया। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, मेहनत करो और दुकान खड़ी करो। साई मैं 2 दिन भी करूंगा तो भी ये काम पूरा नहीं होगा, और वैसे भी मुझे ये सब काम कहां आता है। कोशिश करके तो देखो। याद रखना आत्माराम, मेहनत करने वालों के साथ चमत्कार होता है। मेरी मदद कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें अकेले मेहनत करते देखा, मेरे पास समय है तो सोचा तुम्हारी मदद भी कर देता हूँ। ठीक है, तुम दीवार रंग लो, मैं लकड़ी का काम देखता हूँ। हाँ
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।